हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका की वीडियो जो है मीशो हॉल पे होने वाली है। करवा चौथ स्पेशल है। इन सारे प्रोडक्ट्स को आप करवा चौथ में वियर कर सकते हैं, जिसमें साड़ीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कुर्ता शरारा सेट शेयर करने वाली हूँ और एक ज्वेलरी भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स कि किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, किसकी क्वालिटी अच्छी है या किसकी क्वालिटी बेकार है, सब कुछ पूरा फुल डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। और हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपसे क्या प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, सब बहुत ही ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये है, ये एक शरारा सेट है, इस तरह से है। ये इसका शरारा है, ये ऊपर कैसा इसका शरारा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे शरारा की ही। और बहुत ही खूबसूरत शरारा है, बहुत ही प्यारा है और इसका जो कलर है ना, इसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। जैसा आपको मीशो की साइट पे जो कलर दिखाया गया मकरानी या फिर डार्क मजेंटा कलर, वही कलर मुझे रिसीव हुआ है। लेकिन कैमरे में ये मैं कितना भी कलर कंट्रास्ट ऊपर नीचे कर लूँ लेकिन ये मरून कलर ही दिख रहा है या रेड कलर दिख रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड कलर से बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ये रेड कलर में नहीं आपको मिलने वाला। मैं एक बार आपको रेड कलर दिखाती हूँ, ये है रेड कलर और ये एकदम डार्क मजेंटा डार्क रानी कलर है। रेड शेड से ना एक शेड थोड़ा सा लाइट है तो रानी कलर है ये, और ये है रेड कलर है। बहुत ही हल्का डिफरेंस है, वीडियो में तो बहुत ही हल्का डिफरेंस दिख रहा है लेकिन जब आप अपनी आँखों से इसे देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है और मैं खुद नहीं समझ पा रही कि कैमरे में ऐसा क्यों हो रहा है। और ऊपर की साइड में आपको इलास्टिक मिल जाती है और ये है इसका शरारा। आप देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे फ्लेयर के साथ है। यहाँ पे आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाती है, इस पर सीक्वेंस वर्क और रेशम के धागे से वर्क हो रखा है और इसका फ्लेयर आप देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फ्लेयर है। नीचे इस तरह से आपको रफल वाले पैटर्न की डिटेलिंग मिल जाती है, बहुत ही अच्छे घेर के साथ आपको ये शरारा मिलता है और इसके अंदर आपको इनर भी मिल जाता है शरारा में, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रफ वाला जॉर्जेट यूज़ किया गया है। जॉर्जेट की फैब्रिक काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और इसका लुक वियर करने पर बहुत ही प्यारा। इस शरारा को ना अपना और भी अपने ड्रेसेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और मेरी हाइट जो 5'6" है और मैंने इसे अपने वेस्ट पे जहाँ पे मैं हमेशा बॉटम वियर वियर करती हूँ वहीं पे किया था, फिर भी इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ना कि बहुत ही लो वेस्ट मुझे वियर करना पड़ा था तब जाके मुझे इसकी लेंथ सही है, इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी लगने वाली है वियर करने पर यह शरारा। और इसका आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर का जो कुर्ता है अब वो हम देख लेते हैं और ये है इसके ऊपर का शॉर्ट अनारकली कुर्ता है। आजकल शॉर्ट अनारकली कुर्तियों का बहुत ही ज़्यादा फैशन है और शरारा तो इस समय एकदम ट्रेंड में है, तो इसको आप जो करवा चौथ में वियर कर सकते हैं। अभी पहले हम कुर्ता देख लेते हैं क्या हमें इसे परचेज़ भी करना चाहिए या नहीं। तो ये फ्रंट की डिज़ाइन है, जैसा कि इन्होंने पिक में मेंशन किया था, पूरा फुल भरा हुआ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है आपको। गोल्डन जरी के धागे से इस पर एम्ब्रॉयडरी के ये सीक्वेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे किनारे किनारे आप देखिए फ्रेंड सीक्वेंस का वर्क का काम किया गया है और यहाँ वेस्ट लाइन से आपको छोटी छोटी प्लीट्स मिल जाती हैं। जॉर्जेट का फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और पूरे में आपको इस तरह से छोटी छोटी बूटियाँ मिल जाती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। नीचे के साइड में आपको इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, इस तरह से बना हुआ है। तो इसका जो लुक इन्होंने बनाया ना बहुत ही खूबसूरत बनाया है, क्योंकि जो पिक्चर लगी हुई है उसकी टोटली रेप्लिका बनाई गई है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एम्ब्रॉयडरी में नो डाउट कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी, स्लीव आपको 3/4 स्लीव मिल जाती है, स्लीव पर भी आपको एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको बॉर्डर मिल जाता है। बात करें बैक साइड में तो बैक साइड में भी आपको ये इस तरह से नेक लाइन पर छोटी सी डिटेलिंग मिल जाती है, इस तरह से है। इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा है, वियर करने पे इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आ रहा था। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया ना तो मैंने बस ऐसे शोल्डर से पकड़ा और मैंने देखा अच्छा ये पीछे का है, मुझे ये लगता था कि ये इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी पीछे की गई है और फ्रंट में ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। मैंने ऐसे ही पहन के पूरा ट्राई ऑन कर लिया। फिर उसके बाद जब मैं एंकर वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने इसकी प्राइस एक बार चेक की कि हाँ प्राइस कितनी है, मैं चेक कर लूँ तभी तो आपको मैं बताऊँगी। तो मैंने देखा कि अच्छा मैंने तो ट्राई ऑन पूरा उल्टा ही सूट कर लिया है। फिर से मैंने इसे वियर किया और फिर से जब मैंने इसे वियर किया तब मुझे पता चला कि मैंने ठीक ही वियर करके सूट किया है। मुझे इसमें क्या सबसे बड़ी कमी लगी, बहुत ही बड़ी माइनस पॉइंट है ये, क्योंकि वियर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आप देखिए फ्रेंड्स जब हम यहाँ से शोल्डर को पिक करते हैं किसी भी कुर्ते में तो आप इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि फ्रंट का गला छोटा नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन ये इतना छोटा गला है जो इस साइड आपको दिख रहा है, ये तो बैक का इन्होंने बताया है ये, कि मतलब बिल्कुल आपके नेक पर ऐसे
चढ़ा हुआ रहेगा और आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। इन्होंने या तो स्टिचिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है या मेरे पास ही जो पीस आया है उसी के साथ ऐसी गड़बड़ हुई है, इस बात का तो मैं नहीं गारंटी कर सकती हूँ, क्योंकि वियर करने पे ना वो पता चल जाता है। जब मैंने जो ये कुर्ती पहनी हुई है, जब मैं इसे फ्लिप करके पहन लूँगी, ये पोर्शन पीछे और पीछे का आगे तो अजीब से गले में ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी प्लीट्स छोटी छोटी चुन्नट आ जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि फिटिंग सही नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर एकदम क्लिप क्लोजअप में मैंशन करूँगी। आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आर्म होल के पास जो है यहाँ पे ना बिल्कुल छोटी छोटी प्लीट्स आ जाएंगी, बिल्कुल कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल अनईजी सा फील होगा आपको, एकदम डिसकंफर्टेबल फील होगा। अगर आप इस पैटर्न, इस डिज़ाइन को बैक में अगर वियर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो इस कुर्ता सेट सरारा सेट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है। बस यही एक कमी लगी थी मुझे कि ये इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी ना आपको पीछे आएगी। तो आजकल बैक में भी बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी चल रही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसे इस तरह से पहनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने उल्टा पहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। और आगे के साइड में ये छोटी सी बूटी भी आ रही है, बिल्कुल ये देखिए नेक के डिज़ाइन के ही आ रहा है, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी आगे चाहिए, तो तब आप इस कुर्ते को मत परचेज़ करिएगा, या फिर हो सकता है मेरे पीस के साथ ऐसा कुछ स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो गई है। आप रायन में आप देखिएगा फ्रेंड्स, इस कुर्ते सेट का लुक ना बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, करवा चौथ में तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और थोड़ा सा फ्लेयरी ड्रेस चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा टमी भी आपका हाइड हो जाए, तो आप इस तरह की ड्रेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, इतना लाइट वेटेड है, बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा आपने लिया हुआ है। पूरे दुपट्टे में चारों तरफ ना ये आपको एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कंगूरा की डिज़ाइन मिल जाती है। नेट इसका बहुत ही सॉफ्ट है, पूरे नेट में ना आपको इस तरह से छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की पोल्का डॉट जैसी बूटियाँ मिल जाती हैं। दुपट्टे की जो चौड़ान है मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नहीं है ना ही बहुत ही कम, इतने चौड़ान का आपको दुपट्टा मिल जाता है। दुपट्टे की लेंथ अच्छी है, दुपट्टे की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, 1.25 मीटर का दुपट्टा है, ये 1.25 मीटर का है। तो दुपट्टे की क्वालिटी, दुपट्टे की डिज़ाइन सब कुछ बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इतना हैवी लुक देने के बाद भी दुपट्टा इतना लाइट वेटेड है ना कि बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। अगर आपको सर पे भी दुपट्टा लेना है तो बहुत ही हल्का लगेगा। और इसकी जो प्राइस है 1400 समथिंग है, तो अपने प्राइस को ये टोटली वर्थ इट करता है और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है नेक वाली, अगर आप हैवी एम्ब्रॉयडरी को बैक साइड में वियर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप हैवी एम्ब्रॉयडरी को आगे रखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आप एकदम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आप इसे थोड़ी देर के लिए भी वियर नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की। ये भी एक सरारा सेट ही है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लड रेड कलर है। ये रेड कलर है फ्रेंड्स, मैं बैक साइड दिखाती हूँ, ये रेड कलर है। जो इसके पहले मैं ये कुर्ता दिखा रही थी ना, ये जो है एकदम डार्क रानी कलर है, डार्क रानी कलर है। तो मैं फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी कि कैमरे में एकदम रेड आ रहा था वो इसके पहले जो मैं दिखा रही थी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, वाइट रेशम के धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई, एकदम नीटली फिनिश्ड एम्ब्रॉयडरी है, कहीं से कुछ भी चुभने वाला नहीं है, बहुत ही कम्फर्टेबल आपको फील होगा। इस तरह से जिगजैग पैटर्न के वाइट कलर के रेशम के धागे से इस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है। ए लाइन कुर्ता, अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से ही ना कलियां स्टार्ट हो गई हैं, फ्लेयर्ड है, बिल्कुल ए लाइन कली वाला आएगा ये, और बहुत ही प्यारा है ये इस तरह से है। अब देखिए नीचे के साइड में आपको इस तरह से ब्रॉड सा बॉर्डर मिल जाता है, इस तरह से फिर आपको यहाँ पे चौड़ा सा बॉर्डर की डिटेलिंग, ये बड़े बड़े फ्लावर की डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से। इसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है, इसका फ्लेयर आप देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे फ्लेयर के साथ आपको ये मिलता है, बहुत ही प्यारा है ये कुर्ता। और इस तरह से इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रीन है, ब्लू है, एक दो कलर ऑप्शन और है, आप एक बार अगर दूसरा कलर ऑप्शन चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। बात करें बैक साइड में, बैक साइड में पूरा प्लेन है, पूरा फुल आगे ही सब कुछ, पूरी कितनी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इसकी एम्ब्रॉयडरी। और कुर्ते के लास्ट में ना आपको ना सिल्वर कलर की पाइपिंग की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि बैक साइड में भी जो इस तरह से सिल्वर कलर की पाइपिंग की डिटेलिंग दी हुई है। ये एक स्लीवलेस कुर्ता है, इसमें आपको स्लीव नहीं मिलेगी। अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो आप चाहें तो इसमें नेट की स्लीव लगवा सकते हैं, अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल हैं तो ये कुर्ता बहुत ही अच्छा है। इसका नेक जो है ना थोड़ा सा डीप आएगा, लेकिन अगर आप इसे छोटा कराना चाहते हैं ना, तो टेलर से ऊपर से इस तरह से जब आप स्टिच करवाएंगे तो नेक जो है छोटा हो जाएगा, लेकिन इतना भी डीप नहीं है, एकदम नॉर्मल ही डीप है। आप ट्राई ऑन में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप इसे वियर कर सकते हैं। पीछे का भी जो नेक है वो भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्दन पर चढ़ा चढ़ा रहेगा, और पीछे पूरा प्लेन है, ऐसे है ये। इसका फैब्रिक जो
जॉर्जेट का फैब्रिक है, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट का फैब्रिक इन्होंने प्रोवाइड किया है। बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये कुर्ता किसी भी फेस्टिवल्स में, करवा चौथ में जब आप वेयर करेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। और शरारा है इसका, इस तरह से ऊपर के साइड में आपको इलास्टिक मिल जाती है, यहाँ से आपको इस तरह से रफल पैटर्न वाली डिटेलिंग मिलती है इस तरह से, और इसका फ्लेयर भी बहुत ही अच्छा। आप देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्लेयर इस तरह से है और इसमें भी आपको अंदर की साइड में इनर मिल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है, नीचे की साइड में आपको इस तरह से गोटा पट्टी की किनारी मिल जाती है जो कि चारों तरफ लगी हुई है। इस शरारा में वियर करने पे इसका भी लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था, एकदम फेस्टिव रेडी है। आप चाहें तो इसे करवा चौथ में, दिवाली में, नवरात्रि में भी आप इसे वियर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों शॉर्ट अनारकली कुर्ती मुझे जिस लेंथ की आ रही थी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके ऊपर ये किस लेंथ की आएगी। अगर आपकी हाइट मुझसे कम है तो ये आपको और नीचे तक आएगी, आपके और घुटने को टच करती हुई आएगी, और अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी छोटी आएगी। और बात कर लेते हैं इसके दुपट्टा का, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है और इतना ज़्यादा लाइट वेटेड है, और पूरे दुपट्टे में आपको इस तरह से गोटा पट्टी के किनारे की डिटेलिंग मिल जाएगी, चारों तरफ मिलेगी, और नेट का दुपट्टा है, सॉफ्ट दुपट्टा है। फर्स्ट टाइम जब आप इसे टच करेंगे, जब आप अपना प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना, तो थोड़ा सा हार्श आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब रफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सिंगल लेयर आप पकड़ेंगे ना तो रफ नहीं लगेगा आपको, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा। रेड पे इस तरह से वाइट कलर की मोतियों की डिटेलिंग लगी हुई, बहुत ही डेंस मोती लगे हुए हैं और मोती बहुत ही अच्छे से टकिन है। पीछे की साइड आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आलपिन से टकिन किया गया है ताकि बिल्कुल भी निकलेगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि धागे से टकिन किया गया या फिर ग्लू से स्टिक किया गया, पूरे दुपट्टे में आपको ये वाइट मोती की डिटेलिंग मिल जाएगी। दुपट्टे की चौड़ान बहुत ही अच्छी है, दुपट्टे की लेंथ जो है 2.25 मीटर है, इस तरह से ये दुपट्टा है। और दुपट्टे को वियर करने पर ना बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने हैवी सा दुपट्टा लिया, लेकिन इसका लुक एकदम हैवी आने वाला है। वियर करने पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसे आप करवा चौथ में वियर कर सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और एकदम कंफर्टेबली आप इसे वियर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में मैंने एक ज्वेलरी परचेज की है, इस तरह के आपको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ये रिसीव होती है। ये टेम्पल ज्वेलरी थी, तो पिक में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिक मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी, उसी को पिक को देख के ही मैंने ऑर्डर किया था, और मैंने नीचे के साइड में रिव्यू भी देखे थे कुछ कस्टमर्स के, तो रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने उसके साथ पिक्चर भी अटैच की हुई थी, तो उस पिक्चर को मैंने देखा कि हाँ बिल्कुल रियल ऐसा ही लोगों के पास पहुंच रहा है, तो मैंने भी इसे ऑर्डर किया। और जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया, मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको शो करूँगी कि आप अगर इसे परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल चीप क्वालिटी का गोल्ड की फिनिश है, आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फिनिशिंग भी नहीं अच्छी है, और बिल्कुल ना एकदम अजीब सा चमकीला वाला गोल्ड है, लेकिन उसमें एकदम थोड़ा सा डल गोल्ड फिनिश थी। पीछे के साइड से इतना चुभ रहा है ये कि आप इसे वियर ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी गर्दन जो है छिल जाएगी। आप मैं एक बार पास से दिखा देती हूँ इस तरह से इसकी, मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप इसमें बिल्कुल भी अपने पैसे मत वेस्ट करिएगा। प्रोडक्ट कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ सारे ही प्रोडक्ट की, तो इसका भी प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस प्रोडक्ट कोड का प्रोडक्ट मत लीजिएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट कोड का अगर आप ये ज्वेलरी ऑर्डर करेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगी, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। तो इयररिंग की बात ही क्या करें, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, आप इसमें अपने पैसे मत वेस्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैंने एक साड़ी परचेज़ की है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैं आपको शो करती हूँ। और ये है वो साड़ी, रेड कलर की है जिसमें सीक्वेंस वर्क का काम हो रखा है। सीक्वेंस की आपने बहुत सारी साड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई थी। जिगजैग वाले पैटर्न पर है ये साड़ी, इसका फैब्रिक जो है सिफॉन का फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक इन्होंने दिया है। चारों तरफ किनारों पर ना आपने उसी रेड कलर की पाइपिंग की डिटेलिंग दी गई ताकि कपड़े का थोड़ा सा सहारा मिल सके और बिल्कुल कपड़ा इधर उधर मसके ना, इसलिए इन्होंने चारों तरफ इस तरह से पाइपिंग की डिटेलिंग दी हुई है। और सीक्वेंस का वर्क आप देखिए फ्रेंड्स, कितना हाई से इस पर सीक्वेंस का काम किया गया है, गोल्डन कलर की एकदम छोटे छोटे सीक्वेंस का यूज़ किया गया है। एक बार आप पास से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है और बहुत ही नीटली फिनिश वर्क है, बिल्कुल इस तरह से जिगजैग का पैटर्न आएगा। वियर करने पे अच्छा लुक आ रहा था इसका, इस तरह से पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलेगी, कोई और डिटेलिंग नहीं है, पूरी साड़ी में सेम यही पैटर्न आपको मिलने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चाहें तो दूसरा कलर ऑप्शन भी इसमें पिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेड कलर करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए परचेज़ किया कि करवा चौथ
चौथ है, दिवाली है और नवरात्रि आने वाली है, तो उसमें इन सब साड़ियों को आप वियर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, लाइट वेटेड है लेकिन हैवी सा लुक आएगा। अंदर की तरफ जहाँ हम टक इन करते हैं, इन्होंने इतना कपड़ा प्लेन रखा है, तो ये जो कपड़ा इन्होंने प्लेन रखा है ना, पीछे की साइड में भी ये आपको जिगजैग वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट प्लेट के पास जो है, मतलब इस साइड जो है, आपको ये पैटर्न मिलेगा, लेकिन पीछे की साइड जो है आपको कपड़ा प्लेन मिलेगा। तो इस तरह से है। और इसके साथ इन्होंने ब्लाउज जो है ये ग्रीन कलर का कंट्रास्ट ब्लाउज दिया है, कॉटन सिल्क का ब्लाउज है, ब्लाउज पे कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं, एकदम प्लेन दिया हुआ है। मैंने आपको दो ब्लाउज के साथ इसे पेयर करके दिखाया हुआ है, गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ भी, और एक ग्रीन कलर का मेरे पास सीक्वेंस का ब्लाउज था उसके साथ भी पेयर अप करके दिखाया है। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में इसके साथ कौन सा ब्लाउज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, साड़ी की चौड़ान जो है ठीक है, 5 फीट 6 इंच तक के लोग आसानी से वियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइट वाले लोग इसे नहीं वियर कर सकते हैं, टकिन करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 5 फीट 6 इंच वाले आराम से इसे वियर कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा एकदम अलग सा लुक आएगा। थोड़ा सा तड़कता भड़कता लुक है, लेकिन फेस्टिवल्स में ऐसे लुक चलते हैं, अच्छे लगते हैं, आप इसे वेडिंग फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 1000 समथिंग है, प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, और ट्राई ऑन में देख के आप बताइएगा फ्रेंड्स ये साड़ी आपको कैसी लग रही है। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा सरारा शर्ट है, मैं आपको शो करती हूँ, जिसे मैंने येलो कलर में पिक किया है, और ये है इसके ऊपर का स्ट्राइप वाली जो ये कुर्ती की डिटेलिंग है, और बहुत ही खूबसूरत से इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, एकदम नीटली फिनिश्ड एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी है। और ये तो बहुत ही छोटी कुर्ती है, तो ये मैंने अपनी बिटिया के लिए ऑर्डर किया है, शरारा सेट है ये, फेस्टिवल्स में वियर करने के लिए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे, इसलिए इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके बच्चे, आपकी बिटिया छोटी है, तो आप उसके लिए ये सब ऑर्डर कर सकते हैं, तो फेस्टिवल्स में इस तरह का एथनिक वियर बहुत ही प्यारा लगता है। पूरा ऑल ओवर आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, फ्रंट में भी, बैक में भी, और फॉल्स मिरर की डिटेलिंग लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ आपको वाइट कलर का शरारा मिल जाता है इस तरह से, और सरारे की भी फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि एकदम चीप क्वालिटी का है। ऊपर के साइड में इलास्टिक ठीक है, लेकिन प्योर कॉटन का फैब्रिक नहीं है ये वाला, लेकिन ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। इसके अंदर जो इन्होंने अंदर की तरफ लाइनिंग लगाई हुई है, लाइनिंग में हल्का सा कॉटन ब्लेंड है, लेकिन अंदर की साइड आप स्पैगेटी वियर करेंगे बच्चों को, तो उनको ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा। और इस तरह से सरारा का फ्लेयर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, वाइट कलर के गोटा पट्टी की लैस की डिटेलिंग है, और बीच बीच में इस तरह से बूटियों वाली गोटा पट्टी टकिन है इसमें चारों तरफ है, इस तरह से है। तो सरारा भी मुझे पसंद आया इस तरह से है, बहुत ही प्यारा लगेगा एथनिक वियर में ये। इसके साथ वो बहुत ही क्यूट सा दुपट्टा भी मिल जाता है, मैं आपको शो करती हूँ, ये है शिफॉन का दुपट्टा है, इतने ही चौड़ान का दुपट्टा है, दुपट्टे के चारों एंड पे इस तरह से आपको येलो कलर के फैब्रिक के टसल्स मिल जाते हैं, तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लुक आने। दोस्तों ये था मेरा आज का मीशो करवा चौथ स्पेशल वीडियो, आई होप आपको आज के प्रोडक्ट्स पसंद आए हों और आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो कि किसे खरीदना चाहिए किसे नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।